देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते 11 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 बार खत लिखकर कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सोनिया द्वारा लिखे खत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के विदेश दौरे को स्थगित करने और 2 साल तक सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में और क्या क्या लिखा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अहम सुझाव दिए हैं। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं से फोन पर बात की थी और कोरोना संकट के चलते विपक्षी नेताओं से सुझाव भी मांगे थे। बता दें कि पिछले 15 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पीएम मोदी को लिखा गया ये तीसरा पत्र है। उन्होंने पहला पत्र 25 मार्च को और दूसरा पत्र 26 मार्च को लिखा था। पहले पत्र में सोनिया ने बैंक द्वारा उपभोक्ताओं को थोड़ी रिबेट देने और दूसरे पत्र में मनरेगा श्रमिकों को बकाया भुगतान देने का अनुरोध किया था। मंगलवार को लिखे अपने तीसरे पत्र में सोनिया गांधी ने सरकार को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए 5 अहम सुझाव दिए हैं। पत्र में केंद्र सरकार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों और नौकरशाहों के विदेश दौरों को स्थगित करने और सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाने, सेंट्रल दिल्ली में नई संसद और दूसरे भवनों के निर्माण की योजना को टालने, सरकार के खर्च में 30% कटौती करने जैसे सुझाव देते हुए कहा कि पीएम केयर्स कोष की राशि को भी प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में हस्तांतरित किया जाए। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए 5 सुझाव इस प्रकार हैं। सरकार एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा टेलीविजन, प्रिंट एवं ऑनलाइन मीडिया को दिए जाने वाले विज्ञापनों पर 2 साल के लिए रोक लगा दी जाए। यह पैसा कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए संकट से जूझने में लगाया जाए। कोविड-19 के बारे में एडवाइजरी या स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञापन को छोड़कर कोई विज्ञापन ना जारी किया जाए। केंद्र सरकार मीडिया विज्ञापनों पर हर साल लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों एवं सरकारी कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली सालाना राशि इससे भी अधिक है। सरकार के इस प्रयास से कोरोना वायरस द्वारा हुए अर्थव्यवस्था व समाज को होने वाले नुकसान की भरपाई में एक बड़ी राशि जुटाने में मदद मिलेगी। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा, अन्य सौंदर्यीकरण और अन्य निर्माण कार्यों को स्थगित किया जाए। सोनिया ने पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास है कि संसद मौजूदा भवन से ही अपना संपूर्ण कार्य कर सकती है। नई संसद व उसके नए कार्यालयों के निर्माण की आज की आपातकालीन स्थिति में जरूरत नहीं। ऐसे संकट के समय में इस खर्च को टाला जा सकता है। इससे बचाई गई राशि का उपयोग नए अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सुविधाओं के निर्माण और हेल्थ वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई पर किया जाना चाहिए। भारत सरकार के खर्चे के बजट वेतन, पेंशन एवं सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं को छोड़कर सभी में इसी अनुपात में 30% की कटौती की जानी चाहिए। यह 30% लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, किसानों, एमएसएमई एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए आवंटित की जाए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों तथा नौकरशाहों द्वारा की जाने वाली सभी विदेश यात्राओं को स्थगित किया जाए। केवल देश हित के लिए की जाने वाली आपातकालीन एवं अत्यधिक आवश्यक विदेश यात्राओं को ही प्रधानमंत्री द्वारा अनुमति दी जाए। विदेश यात्राओं पर खर्च की जाने वाली यह राशि, जो पिछले 5 सालों में केवल प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए 393 करोड़ रुपए हैं, कोरोना वायरस से लड़ाई में खर्च की जाए। पीएम केयर्स फंड की पूरी राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड में स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे इस राशि के आवंटन एवं खर्चे में एफिशिएंसी, पारदर्शिता, जिम्मेदारी तथा ऑडिट सुनिश्चित हो पाएगा। जनता की सेवा के फंड के वितरण के लिए 2 अलग अलग मत बनाना मेहनत व संस्थानों की बर्बादी है। पीएमएनआरएफ में लगभग 3800 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2019 के अंत तक बिना उपयोग के पड़ी है। यह फंड तथा पीएम केयर्स की राशि को मिलाकर उपयोग में लाकर समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को तत्काल खाद्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।